वेलकम टू जीनियस सीमांस। जैसा कि अपना ये जो टॉपिक चल रहा है लाइव प्रोसेस, और लाइव प्रोसेस का हम जो टॉपिक यूज कर रहे हैं या अभी कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया था स्मॉल इंटेस्टाइन तक, आज हम कंप्लीट करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन आज हम डिस्कस करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमने देखा था कंप्लीट डाइजेशन हो गया था, अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको हर तरह के सारे वीडियो जो एजुकेशनल वीडियो है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप वीडियो पे ये नए हैं तो बिल्कुल इससे पहले पार्ट्स भी आप देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करें। तो चलिए आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इसमें है कि इट इज वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो लार्ज इंटेस्टाइन हम किसको बोलेंगे, देखो ये जो कलर आपको दिया हुआ है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। क्या ये लार्ज इंटेस्टाइन है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, ये वाइडर होता है, इसका एरिया ज्यादा होता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट है इट इज अबाउट 1.5 टू 1.8 मीटर लॉन्ग। इसका लेंथ कितना होता है, 1.5 टू 1.8 मीटर लॉन्ग होता है। और हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था अप्रोक्स 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम डिस्कस करेंगे कि इट इज अबाउट 1.5 टू 1.8 मीटर लॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखिए, ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट ये कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा पार्ट होता है दोस्तों? तो सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, थ्री पार्ट्स यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का है। जिस तरह से हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डिस्कस किया था, थ्री पार्ट्स है ड्यूओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जस्ट लाइक दैट दिस लार्ज इंटेस्टाइन इज अगेन हैज अ थ्री पार्ट्स, दैट इज द सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। तो ये एरिया आपका सीकम होता है, ये अपना ये वाला एरिया, ये सीकम होता है जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन ज्वाइंट होता है, ये सीकम वाला एरिया होता है, ये थोड़ा सा ये ब्रॉड होता है। फिर आपका होता है ये कोलोन एंड देन ये होता है एरिया रेक्टम। तो चलिए अब एक एक हम सीकम, कोलोन और रेक्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया करेंगे इसको सीकम के बारे में। सीकम क्या कहता है कि द पॉइंट्स वेयर द इलियम ज्वाइंट्स द लार्ज इंटेस्टाइन। क्या कह रहा है कि ऐसा पॉइंट जहां पे इलियम लार्ज इंटेस्टाइन से ज्वाइन करता है, ठीक है, अ सैक लाइक पार्ट इज कॉल्ड सीकम। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का एक सैक लाइक पार्ट होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में है, और इसी पार्ट से जहां से ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाला पार्ट ज्वाइन होता है। देखें ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम, इलियम जिस पार्ट पे ज्वाइन करता है, जिस पार्ट से ज्वाइन करता है लार्ज इंटेस्टाइन के, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसी को वी कॉल द सीकम। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकंड पॉइंट सीकम का, फ्रॉम सीकम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अराइजेस कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कि सीकम जो होता है, सीकम से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये अराइज होता है। ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो इसको मैं यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं, दिस इज कॉल्ड द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये क्या हो गया, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के ज्वाइंट से अराइज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। जी हाँ, वेस्टिजियल ये ऑर्गन होता है इन मैन, मैन के अंदर, ह्यूमन बींग के अंदर ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल मीन्स देयर इज नो एनी फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन, मीन्स इट इज अ फंक्शनल लेस। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, फंक्शनल लेस है, देयर इज नो एनी यूज। ये पहले के टाइम में अपने जो एंसेस्टर थे उनमें यूज होता था, बट इन करेंट जो अपना ये लाइफ है, स्पेसिस है ह्यूमन बींग का, इसमें इसका यूज नहीं है। तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि फंक्शनल लेस। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करेंगे कोलोन की। तो हमने सीकम पार्ट देख लिया, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट हमने क्लियर कर लिया सीकम, ये वाला पार्ट। अब बात करेंगे ये कोलोन, ये कोलोन पार्ट होता है। कोलोन पार्ट का देखिए, इट इज नेक्स्ट टू सीकम, यानी कि सीकम के नेक्स्ट जो पार्ट होता है दैट इज द कोलोन। सीकम लीड्स टू कोलोन। अब सीकम जो है लीड्स यानी किसमें ओपन होता है, कोलोन में, यानी कि सीकम के आगे का पार्ट क्या है, कोलोन है। क्लियर है? अब देखो अगर कोलोन की बात करें, ये कोलोन अगेन जो है एक तरह से ये थ्री पार्ट्स में है। आप बोल सकते हैं थ्री पार्ट्स क्या क्या, इस पार्ट्स को यहां से यहां वाले पार्ट्स को, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, दिस वन इज द ट्रांसवर्स कोलोन एंड दिस वन इज द डिसेंडिंग कोलोन। क्या क्या बोला मैंने, रिपीट करेंगे, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। क्लियर? और ये वाला पार्ट होता है रेक्टम।
नेक्स्ट कोलोन के बाद अपना पार्ट आएगा रेक्टम। रेक्टम डिस्कस करेंगे, इट इज नेक्स्ट टू कोलोन। रेक्टम क्या होता है, यहाँ पे नेक्स्टम है, एक कोलोन के जस्ट नेक्स्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है। एंड कोलोन लीड्स इनटू रेक्टम। कोलोन कहाँ पे लीड्स होता है, यानी कहाँ पे ओपन होता है, कोलोन यानी कि ये ओपन हो रहा है रेक्टम के अंदर, ठीक है। और रेक्टम ये नेक्स्ट टू कोलोन है, ठीक है, कोलोन के बाद वाला एरिया है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड हियर। अनडाइजेस्टेड फूड हमने डिस्कस किया था, डाइजेस्टेड अपना कंप्लीट होता है डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन में अब यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, हम इसको अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं इसके पार्ट्स के बारे में और क्या है, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि अनडाइजेस्टेड फूड अब यहाँ पे रेक्टम के अंदर यहाँ पे स्टोर होता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट, द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ रेक्टम इज कॉल्ड एनस। अब एक्सटर्नल ओपनिंग, जो रेक्टम का एक्सटर्नल ओपनिंग होता है यानी कि बाहरी, इसी को हम क्या बोलेंगे, एनस बोलेंगे। एनस इज केप्ट क्लोज बाय रिंग मसल्स कॉल्ड स्फिंक्टर। पॉइंट को याद रखेंगे ये कि एनस जो है ये क्या होता है, एक रिंग लाइक मसल से क्लोज होता है, एक रिंग लाइक मसल से एनस क्लोज होता है, दैट इज कॉल्ड द स्फिंक्टर। अब ये स्फिंक्टर क्या करता है, देखिए कि स्फिंक्टर ओपन्स ओनली ड्यूरिंग डिफिकेशन। डिफिकेशन यानी कि वेन वी वॉन्ट टू एक्सक्रीट आउट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एनस के थ्रू, अगर वेस्ट मटेरियल को जब हम बॉडी से मूव करना चाहेंगे, उसको रेड ऑफ करना चाहेंगे, तब ये स्फिंक्टर ओपन होता है। यानी कि इसकी एक चीज और मैं बता दूं, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर स्फिंक्टर होता है, ये एडल्ट के केस में क्या होता है, ये कंट्रोल होता है, ये वी कैन कंट्रोल ऑन डेट कि कब इसको ओपन करना है, कब क्लोज करना है, बट न्यू बॉर्न बेबी में ये कंट्रोल नहीं होता है, ये अनकंट्रोल होता है, डेट्स वाई न्यू बॉर्न बेबी का डिफिकेशन फ्रीक्वेंटली होते रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्फिंक्टर ओपन्स ओनली ड्यूरिंग द डिफिकेशन, हमने डिस्कस कर लिया, सिर्फ डिफिकेशन के टाइम में ओपन होता है। नेक्स्ट, नो एंजाइम्स आर सेक्रेटेड इन लार्ज इंटेस्टाइन। जी हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी एंजाइम सेक्रेट नहीं होता है। आप ये ध्यान रखेंगे कि एक एलिमेंट्री कैनाल की एक यह ऐसा ट्रैक है, एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल का ये पार्ट है जिसमें कि कोई भी एंजाइम सेक्रेट नहीं होता है। बट अगर हमने शुरू से देखें तो माउथ के अंदर भी एंजाइम सेक्रेट हुआ था, एस्टोमक के अंदर भी हुआ था, हालांकि ओएसोफेगस के अंदर भी नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी एंजाइम का सेक्रेशन हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन विली के हमने पढ़ा था जो बेस पे ग्लैंड होता है, लीवर का भी यहाँ पे सेक्रेशन होता है, बट इन द लार्ज इंटेस्टाइन देयर इज नो एनी सेक्रेशन ऑफ एंजाइम्स। तो ये हमने देखा अभी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन यहाँ पे क्या क्या होता है, अभी हम अब डिस्कस करेंगे, चलिए देखते हैं उसको। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन हमने देख लिया, लार्ज इंटेस्टाइन में ही हमने देखा सबसे पहले, लास्ट में क्या देखा था हमने, रेक्टम। अब रेक्टम के बाद उसी में यानी हमने पार्ट देख लिया, अब इस लार्ज इंटेस्टाइन में और क्या क्या होता है इसकी बात करेंगे। तो उसी में लार्ज इंटेस्टाइन में ही नेक्स्ट पॉइंट अपना है कि हियर वाटर गेट एब्जॉर्ब्ड, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में जब अनडाइजेस्टेड फूड आता है तो इसके अंदर वाटर भी होता है। अब यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन होता है बट न्यूट्रिएंट्स का नहीं, ये ध्यान रखेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हो जाता है। बट व्हेन अनडाइजेस्टेड फूड इंटर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन देयर इज नो एनी एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सिर्फ और सिर्फ वहां पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। यानी कि सपोज ये आपका जो ये अनडाइजेस्टेड फूड अगर ये है, तो इस अनडाइजेस्टेड फूड से सिर्फ और सिर्फ इधर H2O और वाटर यानी एक्स्ट्रा साल्ट और वाटर का सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगा इधर से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ H2O का यानी वाटर और एक्स्ट्रा साल्ट का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम ए स्मॉल इंटेस्टाइन पास इनटू इट। अब क्या होता है यानी कि इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से इसके अंदर पास होता है। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट ये तीनों दोनों पॉइंट क्लियर, थर्ड पॉइंट है देन इट स्टोर इन रेक्टम, और फिर फाइनली ये जो है रेक्टम में स्टोर होता है। अब देखिए यहाँ पे जब फूड यहाँ से पास होता है, पास होकर के फूड यहाँ से मूव करता है, फिर अगेन यहाँ भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। याद कीजिए हमने फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस किया था इस डाइजेस्टिव इन ह्यूमंस वाले चैप्टर में, टॉपिक में पहले ही, कि जो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड का मूवमेंट होता है, दैट इज थ्रू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मींस कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, यानी ये एलिमेंट्री कैनाल के मसल का कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये यहाँ भी जब फूड इंटर करता है, यहाँ भी कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, और फूड इस तरह से बढ़ते जाता है आगे, और इसी टाइम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कंटिन्यू रहता है।
इस तरह से फूड जो हमने यहाँ से सॉलिड लिया था, ये सॉलिड फूड यहाँ पे आते आते सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड से फिर लिक्विड टाइप में यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बाइल एससीएल ये सारे सेक्रेशन के वजह से, पैंक्रियाटिक जूस के वजह से ये लिक्विड होते होते फिर जब लिक्विड फॉर्म में लगभग होता है, फिर वहां से एब्जॉर्प्शन होता है पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स का, और ये फूड सेमी सॉलिड होते जाता है, सेमी सॉलिड होते जाता है, और फिर इस तरह से जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, यहाँ से जो एक्स्ट्रा वाटर है उस वाटर का भी एब्जॉर्प्शन कर लेता है बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और इस तरह से फूड जो है पूरी सेमी सॉलिड के रूप में यहाँ पे रेक्टम में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम रेक्टम इट इज, सॉरी यहाँ पे इट इज है, फ्रॉम रेक्टम इट इज इजेस्टेड थ्रू द एनस। अब रेक्टम से, अब रेक्टम में यहाँ पे फूड अनडाइजेस्टेड स्टोर हो गया, अब यहाँ से कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अब यहाँ से फूड जो है डायरेक्टली एनस के थ्रू क्या होगा, पास आउट हो जाएगा बॉडी से। द प्रोसेस ऑफ इलिमिनेशन, देखिएगा यहाँ ध्यान रखिएगा इस पॉइंट में कि द प्रोसेस ऑफ इलिमिनेशन, इलिमिनेशन का मतलब होता है बाहर निकालना, तो द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड डेफिकेशन। अनडाइजेस्ट, हमने इससे पहले एक पॉइंट में डिस्कस किया था डेफिकेशन की, स्फिंक्टर मसल जो है यहाँ का सिर्फ ओपन होता है ड्यूरिंग द डेफिकेशन, तो डेफिकेशन यानी किसको बोलेंगे डेफिकेशन, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड को हम बॉडी से जब बाहर पास आउट करते हैं, रेड ऑफ करते हैं, इसी प्रोसेस को वी कॉल द डेफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे अपना लगभग कंप्लीट हो गया पूरा ये डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। लास्ट में ये आपका जो पास आउट करते हैं, हम इस प्रोसेस को हम इजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि देखो जो डाइजेशन अपना जो प्रोसेस है पूरा एलिमेंट्री कैनाल का, क्या क्या होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, assimilation and egestion. So ingestion means taking the food in the mouth. Digestion means the breaking down food, the breaking down of food into the simpler form. So digestion तो mouth से ही start हो गया, तो ingestion हो गया, digestion mouth से start हुआ और कहाँ पे complete हुआ? Small intestine में digestion भी हो गया. Next is absorption, जो small intestine से ही absorption का process होता है. Fourth one is assimilation, यानी absorbed किए हुए food के nutrients को utilize करना. And fifth one is egestion. Egestion means the waste material, when the waste material will removed out from the body, या we when we removed out या rid of the waste material या undigested food from the body through the anus, this process is called egestion. तो egestion देखिए क्या कहता है यहाँ पे कि the undigested or unassimilated, assimilated है जिसका utilization नहीं हुआ, तो undigested या unassimilated portions of the ingested food, ingested है जो हमने mouth में लिया, इंजेस्टेड फूड का वह पार्ट जो अनएसिमिलेटेड है या अनडाइजेस्टेड है, फूड मटेरियल का वह पार्ट, ठीक है, थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी, जब उसको बॉडी को हम थ्रोन आउट कर देते हैं, कहां से, थ्रू द रेक्टम, ठीक है, एंड एनल एपर्चर, ठीक है, थ्रू द रेक्टम या एंड एनल एपर्चर के थ्रू एज फीकल मैटर, वो फीकल मैटर होता है, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द इजेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे पहले एक फैक्ट समझानेंगे, देखिए दोस्तों कि वी प्रोड्यूस अबाउट 1000 टू 1500 मिलीलीटर ऑफ सलाइवा एवरी डे, हर रोज हम लगभग 1 लीटर से 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर सलाइवा सेक्रेट करते हैं अपने माउथ के अंदर, यानी सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक है, और इस सलाइवा के अंदर होता क्या है, एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, दैट इज कॉल्ड द लाइसोजाइम। इस एंजाइम को क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम बोलते हैं, which fight against the bacteria, यानी अपने सलाइवा के अंदर, आप देखो ज्यादा मैक्सिमम वो लोग जो गुटखा खाते हैं, तो गुटखा खाते हैं, गुटखा खाने के बाद सलाइवा का सेक्रेशन होता है और हम उसको थूक देते हैं, वो तो उस बाहर निकाल देते हैं, उस सलाइवा के अंदर एक्चुअली एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, तो हम कहीं ना कहीं अपने बॉडी को क्या कर रहे हैं, बॉडी से उस एंजाइम को हम बाहर फेंक रहे हैं, और ये एंजाइम क्या करता है, विच फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करता है, कुछ बैक्टीरिया अगर हम इंजेस्ट कर रहे हैं, कोई बैक्टीरिया माउथ के अंदर आ गया तो उससे फाइट करता है, दैट्स व्हाई वी शुड नॉट थ्रू या हम उसको यानी कि सलाइवा को जो सेक्रेट हो रहा है माउथ से उसको बार बार जो हमें थ्रू आउट नहीं करना चाहिए, उसको माउथ से बाहर नहीं निकालना चाहिए। इसीलिए आपने कहीं भी पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो हम सुनेंगे आज कि इट इज सेड दैट कि रात में हमें ब्रश करके सही से माउथ खाने के बाद साफ करके ही बेड पे जाना चाहिए, और मॉर्निंग में हमें बिना ब्रश किए बिना कुछ किए पहले पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है, रात का पूरा सलाइवा का जो सेक्रेशन होता है माउथ में, ये पूरा वो भी पानी जो पीना चाहिए माउथ में घुमा करके चारों तरफ फिर घूंट घूंट पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है, अपना पूरा सलाइवा के साथ साथ एंजाइम्स भी आपके बॉडी में
रहता है और इस तरह से ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स या न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस हमने कंप्लीट किया, पूरा एलिमेंट्री कैनाल डिस्कस किया। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट। और ये कंप्लीट कर लिया हमने। अब नेक्स्ट यानी कि अपने देखो लाइफ प्रोसेस में हमने टोटल 4 लाइफ प्रोसेस पढ़ने थे, जिसमें फर्स्ट लाइफ प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया, दैट इज द हमने क्या पढ़ा था, पहला लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के बाद अब अपना जो लाइफ प्रोसेस नेक्स्ट आएगा दैट इज द रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए इस वीडियो पे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।